महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाच्या राजकीय सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अति मागास झाली आहे। त्यावर 10% आरक्षण शिक्षण व नोकरीमध्ये देण्याची मागणी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृती समिती नांदेडच्या वतीने करण्यात आली। जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सरकारकडे ही मागणी करण्यात आली। यावेळी मकसूद पटेल लोहगावकर साबेर चाऊस शमीम अब्दुल्ला मोहम्मद खलीलुद्दीन अल्ताफ सानी रिजवान कुरेशी काजी रफीक अहमद पाशा बशीर माजिद आदिंची उपस्थिती होती। आज हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से। मुस्लिम आरक्षण हमें 5% जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था उसको स्थगिति मिले वाली है, इसलिए हमने आज से शुरुआत की। नांदेड़ के तमाम लोगों से और तमाम 86 लोगों से बात कर आज से पहल किया है। हमने एमएलओ से भी मिला है आज सवेरे और उनको भी निवेदन दिया है। आज कलेक्टर ऑफिस में आकर कलेक्टर साहब को भी दिया है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। नांदेड़ से मुहिम शुरू हुई थी, महाराष्ट्र में एक बार और नांदेड़ से शुरू होगा और हम लीडरों को जगाएंगे और हम हमारा हक मनवा के रहेंगे। आज नांदेड़ मुस्लिम आरक्षण कृति समिति की जानिब से ज़िला इंतजामिया के ज़रिए इस सूबाई वज़ीर आला जनाब उदय ठाकरे साहब को एक मकतूब रवाना किया गया, जिसमें मुस्लिम आरक्षण कृति समिति के जिम्मेदारों ने ये मांग की कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए। 2016 से लेकर आज तक मुस्लिम आरक्षण कृति समिति इस मुद्दे पे काम कर रही है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो इस बात पर मबजूल नहीं हो पा रही है। अगर इस मेमोरेंडम के ज़रिए हुकूमत ने अगर हमारे मुतालबे को नज़रअंदाज किया तो मुस्लिम आरक्षण समिति की जानिब से एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आज मुस्लिम आरक्षण कृति संघर्ष समिति माध्यमातून आज माननीय जिल्हाधिकारी यांना 10% आरक्षण मुस्लिम समाजांना समाजामध्ये देण्यात यावं म्हणून आज निवेदन देण्यात आलं। त्यासोबत उत्तर दक्षिणचे आमदार मोहन हंबर्डे अमरनाथ राजूरकर विधान परिषद सदस्य यांना पण निवेदन देऊन मुस्लिम समाजाची भावना शासनापर्यंत पोहोचवावी व स्वतः या विषयाला विधिमंडळात आणि विधान परिषदेमध्ये धरून राहावं यासाठी निवेदन देण्यात आलं। समोरची महाराष्ट्र सरकारमधले जे किंगमेकर मंत्री किंवा पवारसाहेब असतील लवकरच मुस्लिम आरक्षण कृती संघर्ष समिती या लोकांना भेटून समाजाचं ग्रहणा तिथं मांडेल आणि लवकरच आंदोलन जर आरक्षण यांनी या सरकारने दिलं नाही तर सरकारच्या विरुद्ध मुस्लिम समाज हा क्वांटिटीमध्ये रस्त्यावर।